गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 24 बच्चों की मौत के बाद अब तक 1341 मौतें हो चुकी हैं। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बीते 48 घंटे के दौरान 24 और बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। मेडिकल के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि विभिन्न वार्डों में 3 सितंबर को 9 बच्चों की मौत हुई, जबकि 4 सितंबर को 15 बच्चों की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1341 हो गई है। पीके सिंह ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कहा कि सरकार ने 24 नए वार्ड मुहैया कराए हैं जो नवजात शिशु के लिए उपयोग में आते हैं, और कहा कि मेडिकल कॉलेज में 18 नए डॉक्टर भी आए हैं, उनमें 10 इंजीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, 7 मेडिकल अफसर और 1 प्रोफेशनल शामिल हैं, और डॉक्टर काफिल पर नौकरी से अलग प्राइवेट अस्पताल चलाने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि डॉक्टर काफिल उस समय सुर्खियों में आए थे जब ऑक्सीजन की कमी के समय वह अपनी गाड़ी से दोस्तों के साथ निजी अस्पतालों से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भी आरबीडी अस्पताल में आए थे। इससे पहले एसटीएफ ने मेडिकल कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को हिरासत में ले लिया था। ये थी ऐसे न्यूज रिपोर्ट।